कॉलेज के छात्र और नागपुर के सागर कुंभारे ने शिवाजी जयंती के अवसर पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भगवा लहराकर अपने देश का नाम रोशन किया है। इसी श्रृंखला में नवमेश एनुअल कल्चरल प्रोग्राम केडीके कॉलेज में आयोजित किया गया था, जहां इस अवसर पर सागर का सत्कार किया गया। नवमेश एनुअल कल्चरल प्रोग्राम केडीके कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें स्पोर्ट्स और करिकुलम प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें डांस, सॉन्ग, स्पोर्ट्स और ऑर्केस्ट्रा रखा गया था। आयोजित कॉलेज में करीब 10 से 12 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें दूर दराज के गांव से भी लोग आकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे थे। साथ ही इस दौरान इन्हें उत्कृष्ट पुरस्कार देकर कॉलेज द्वारा सम्मानित भी किया गया। ॲन्युअल कल्चरल प्रोग्राम प्रत्येक वर्षी आमच्या कॉलेजमध्ये घेतो। मागच्या 15 ते 20 वर्षापासून हा प्रोग्राम आमच्या कॉलेजमध्ये साजरा केला जातो, ज्याच्यामध्ये सगळे मुलं पार्टिसिपेट करतात। त्याच्यामध्ये आमचे दोन पार्ट असतात, एक करिक्युलम कल्चरल प्रोग्राम असतो आणि दुसरा स्पोर्ट्स असतो। तर स्पोर्ट्समध्ये आम्ही सगळ्या तारखेचे स्पोर्ट्स घेतो, ज्याच्यात इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन पण असतात। जशी क्रिकेटची इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन आम्ही घेतो, साधारण आम्ही 25,000 पासून 5,000 पर्यंत प्राइजेस आम्ही मुलांना देतो। यावर्षी पण नागपुरातले पुष्कळसे कॉलेज आमच्या कॉलेजमध्ये इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशनमध्ये आले, त्यांनी सहभाग घेतला, आनंदाने मॅच खेळले आणि या मॅचेस आमच्या इथे झाल्या। तशाच कबड्डी असो की जुने आपले जे महाराष्ट्रीयन खेळ आहे लगोरी, हे सुद्धा आम्ही घेतो आणि ह्याच्यामध्ये आमच्या मुलंच नाही तर आमचे फॅकल्टीसुद्धा सहभाग झाले। क्रिकेटच्या मॅचेस आमच्या कॉलेजेसच्या फॅकल्टीच्या पण झाल्या आणि ह्या ज्या कबड्डी आहे हे आहे ह्याच्यामध्येही आमच्या स्टुडंटनी पार्टिसिपेट केलं आणि ते चांगल्या प्रकारे उत्सव आमची साजरा केला। त्याचप्रमाणे जर आपण अशा थोड्या टेक्निकल गोष्टी बघितल्या तर स्टुडंट पार्लमेंटसुद्धा आम्ही घेतली, त्याच्यामध्ये आम्ही बेस्ट स्टुडंट कॉम्पिटिशन केडीके पीएल बेस्ट फोरम कॉम्पिटिशन आमच्या इथे 7 ब्रांचेस आहेत, जसा सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन आहे, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे। तर या प्रत्येक डिपार्टमेंटचे स्टुडंटचे फोरम आहे, ते स्टुडंटचे फोरम त्यांचे वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीज वर्षभर करत असतात, तर कोणचा फोरम बेस्ट आहे त्याचीसुद्धा आम्ही कॉम्पिटिशन घेतली आणि त्या मुलांना आम्ही बक्षिसं दिले। त्याचप्रमाणे आम्ही आपल्या साध्या ज्या कॉम्पिटिशन होत राहतात, जसं सेल्फी कॉन्टेस्ट आहे, फोटोजेनिक फेस आहे, रंगोली आहे, मेहंदी आहे, फेस आर्ट आहे, नेल आर्ट आहे, डिबेट आहे, ट्रेझरर हंट आहे आणि त्यानंतर आपल्या ज्या कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज होतात त्याच्यामध्ये डान्स आहे, सॉन्ग्स आहे, प्लस ह्याचं मेन अट्रॅक्शन जे राहतं आमचा साधारण हा महिन्याभराचा उत्सव असतो, त्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स आम्ही महिन्याभरापासून चालू करतो। 2 दिवसाच्या कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज राहतात, तर यावर्षी 23 आणि 24 तारखेला या कल्चरल ॲक्टिव्हिटी होत्या। त्याच्यापैकी 23 तारखेच्या आमच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये डान्स होते आणि सॉन्ग्स होत्या, परत 24 तारखेला डान्स आणि सॉन्ग्स होते, प्लस ऑर्केस्ट्रा राहतो संध्याकाळी, तो ऑर्केस्ट्रासुद्धा चांगल्या प्रकारे आम्ही घडवून आणला आणि ह्याच्यामध्ये सगळे मुलं प्रत्येक डिपार्टमेंटचे पार्टिसिपेट करतात, त्यांच्यातलं जे हिडन टॅलेंट आहे ते इथे मुलं आपल्या जो समोर प्रेझेंट करतात आणि प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीला आम्ही आकर्षक प्राइजेस मुलांना देतो। त्यामुळे या मुलांकरता हे एक खूप आकर्षण असतं की वर्षभराचा हा महोत्सव कधी सुरू होतो आहे आणि शेवटी जेव्हा ऑर्केस्ट्रा होतो तेव्हा मुलं अत्यंत आनंदित असतात की आपल्याकरता कॉलेज आणि फॅकल्टींनी जे काही प्रयत्न केलेले आहेत त्यांच्या सर्वांगीण डेव्हलपमेंट करता, त्याच्यामुळे त्यांना डेफिनेटली एक चांगला फायदा होतो। 10 ते 12 कॉलेजेसनी आमच्या इथे पार्टिसिपेट केलं होतं, त्याच्यात विविध स्पर्धा असतात, तर काही ह्याच्यामध्ये 15 ते 20 कॉलेजेसनी पण केलं होतं, काही ह्याच्यात कमी लोकांनी केलं होतं, पण दुरून दुरून लोक आले होते, भिवापूरचे लोक आले होते, भिवापूर कॉलेजचे सुद्धा लोक आले होते, असे दुरूनसुद्धा लोक आले आणि त्यांनी सगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं, आम्ही त्यांना सन्मानित केलं प्राइज देऊन। आयोजित इस कार्यक्रम में सभी इयर्स के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इसका भी खासा ध्यान रखा गया। इसकी जानकारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट सुमित कांबड़े ने इनबीसीएन को दी। सर, मेरा नाम सुमित कांबड़े, प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, साथ ही साथ मैं 3rd ईयर में हूँ सिविल डिपार्टमेंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल हो रहा है और हम लोग ये पार्टिसिपेट करने के लिए हम स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करते हैं।
हमारे फैकल्टीज़ है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेनर होते हैं वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इवेंट्स के लिए। साथ ही साथ एनुअल फेस्ट के साथ हम लोग स्पोर्ट्स भी इसमें ये इन्वॉल्व करते हैं। स्पोर्ट्स में हमने इस साल 15 गेम्स लिए जिनमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था सभी का, और मेन मतलब कि जो डांस है, सिंगिंग है, उसमें भी बहुत इनकरेज करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। जी हम लोग पहले देखते हैं कि लाइक एग्ज़ाम्स कब आ रही है। लाइक इस साल ऐसा हुआ कि थर्ड एंड फाइनल ईयर की एग्ज़ाम पहले आ गई थी, तो उस हिसाब से ऐसा हुआ कि सेकेंड ईयर को एक थोड़ा सा ये करना पड़ा, लाइक उनको इस बार पार्टिसिपेट करना नहीं मिला क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स थे इस बार। सो लाइक हम लोग ने डिस्कशन करके प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर के साथ, कन्वेनर के साथ, और हमने ये डेट फिक्स की है ताकि चारों ब्रांच और सभी ईयर्स के स्टूडेंट को ये पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। जी जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का सिचुएशन हुआ था लास्ट टाइम, पर केडीके कॉलेज ने ऑनलाइन का भी गैदरिंग ये किया था ऑर्गेनाइज़, जैसा कि स्टूडेंट ने घर से ही डांस किया था, घर से सिंगिंग की थी, और सबसे हम लोग ने नवोन्मेष को सेलिब्रेट किया था। लाइक हमने हार नहीं मानी और नवोन्मेष को एनी हाउ सेलिब्रेट करके ही छोड़ा था हमने। आयोजित इस प्रोग्राम में सागर ने अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर, साथ ही अपने दोस्तों सहित पूरे कॉलेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। मला खूप आनंद आहे की माझ्या कॉलेज कडून मला आर्थिक मदत आणि सगळ्यांची टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ आणि पूर्ण मुलांचा, स्टुडंटचा मला सपोर्ट होता माउंट किलिमंजारो। ॲक्च्युली फंडिंगपेक्षा जी जास्त आपल्याला गरज असते ती असते म्हणजे आपल्या सपोर्टची। माझ्यासोबत जे फ्रेंड सर्कल होते, कॉलेजचा स्टाफ होता, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, या सगळ्यांनी मला एवढं जास्त सपोर्ट केला होता की आम्ही कसं शिखर सर करायसाठी नुसता पैसाच हा कामी नसतो, तर सगळ्यांची मेहनत आणि सगळ्यांचा सपोर्टसुद्धा आपल्याला लागत असतो। ते मला केडीके कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधनं भेटणं, त्याबद्दल मी पूर्ण कॉलेजचे आणि संस्थेचे मनापासून आभारी आहे। नवमेश, इस कार्यक्रम के बारे में छात्राओं ने भी अपनी राय रखी। माझं नाव प्रतीक्षा वडसकर, आई एम करंटली स्टडिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक्चुअली द नवमेश इज द एनुअल इवेंट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, एन्जॉयमेंट होता है, और यहाँ पे जो ट्रेडिशन होता है हमारा वो उसको फॉलो किया जाता है। जो एथनिसिटी होती है बेसिकली कॉलेज की, उसको मेंटेन किया जाता है इस इवेंट में। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट से फाइनल ईयर तक के बच्चे हैं, हम पूरा एन्जॉय करते हैं, और यही एक फेज़ होता है कॉलेज का जिसमें हम पूरा एन्जॉय कर पाते हैं। और जो फैकल्टीज़ होती है वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कॉलेज में हमें लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहीं बाहर जाना रहे, कहीं जॉब जल्दी लग जाए, हमें बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो आई feel too good to be in this college। तो यहाँ पे जो ये इवेंट होता है वो साल में एक बार होता है, तो ये हमारे कॉलेज का अपना इवेंट होता है, तो ये हमारी फैमिली, दिस कॉलेज इज़ अ फैमिली, तो ये हमारी फैमिली का इवेंट होता है। तो सारे जो बच्चे हैं वो सब एकजुट होकर इसे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा इस इवेंट को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए, और वो बनता भी है। जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो सपोर्ट करते हैं वो नॉट ओनली टीचर्स बट जो बड़े फैकल्टीज है, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर एंड एवरी फैकल्टी, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, एज यू नो कि इंजीनियरिंग है, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हम पहले हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स आए जो दंगा करें ये हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये कॉलेज हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे हम पहले उन स्टूडेंट्स से बात करते हैं, जब वो स्टूडेंट्स हमें वेल डिज़र्व लगते तभी वो हमारे कॉलेज में आते हैं, और जो स्टूडेंट्स सच में डिज़र्व करते वो कॉलेज के साथ कॉम्पीट करते स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है। हर एक कॉम्पिटिशन में हम इंटर कॉलेज रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, तो उनसे बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एग्जाम से पहले और कोरोना के पूरे 3 साल के बाद कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। डीजे की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।